जैसा कि आज हम देखने जा रहे हैं, आज एप्पल का जो एप्पल इवेंट हुआ था उसमें तीन चीज़ें लॉन्च हुई है, विच इज़ एप्पल वॉच, एप्पल आईपैड एंड A14 बायोनिक चिप विच इज़ वेरी फास्ट। तो आज हम पहला कवर करेंगे एप्पल वॉच एसी। तो ये जो वॉच एसी है वो कैसा है, $279 के लॉन्च हुए हैं, एंड उसमें चिपसेट 5 जो वॉच है सीरीज़ 5 के जो चिपसेट है वो यूज़ किया हुआ है, एंड वो थोड़ा रीज़नेबल प्राइस में है। एंड एप्पल वॉच सीरीज 6 लॉन्च हुई है विच इज़ $399 की, एंड वो एप्पल वॉच 3 वो सेम प्राइस में कंटिन्यू होगी जो कि $199 की है। सो एप्पल वॉच ऐसी कैसा है, न्यू फीचर्स इंक्लूड हुआ है एंड उसमें चिपसेट 5 है, एंड एप्पल वॉच 6 में जो है उसमें न्यू चिपसेट है। एंड अभी देखते हैं कि इंडिया के प्राइस कैसा रहता है, क्योंकि इंडिया का प्राइस एंड बाहर का प्राइस दोनों अलग होता है एप्पल का। जैसे कि हम देख सकते हैं कि आईफोन का भी प्राइस अलग होता है, इंडिया का प्राइस अलग होता है, एंड बाहर के जो भी कंट्रीज़ के प्राइस होते हैं वो अलग होते हैं। एंड जो अभी जो सेकंड प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ है वो है एप्पल आईपैड एयर लॉन्च हुआ है, वो 5 कलर में, सिल्वर ब्लैक में लॉन्च हुआ है, और ग्रीन ब्लू एंड रोज़ गोल्ड में लॉन्च हुआ है। तो ये 10.9 इंच का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है, इसका डिस्प्ले क्वालिटी इज़ विच इज़ वेरी गुड। इसमें न्यू चिपसेट यूज़ हुआ है, इसका जो फिंगरप्रिंट है वो आजकल जो Xiaomi Realme के फ़ोन्स में होता है जो साइड माउंटेड होता है, तो वो पावर बटन्स में ही रहता है फिंगरप्रिंट, तो वैसा फिंगरप्रिंट यूज़ हुआ है। एंड ये ट्रू टोन डिस्प्ले है, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है इसमें, सो ये शाइन इतना नहीं होगा जैसे एप्पल आईपैड प्रो जैसा है, वैसा कुछ बहुत लुक्स आएगा। और जो इस इवेंट की जो सबसे ख़ास चीज़ जो लॉन्च हुई है वो है एप्पल A14 बायोनिक चिप। ये पहला चिपसेट है इंडस्ट्री का जो 5 nm पे बेस्ड है, विच इज़ वेरी फास्ट, वेरी 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 फास्ट। ये चिपसेट अब तक का सबसे फास्टेस्ट चिपसेट है। इसमें 6 कोर डिज़ाइन है, 2 हाई कोर एंड 4 लो कोर है। ये जो A13 बायोनिक चिप था उससे 40% ज़्यादा अच्छा है। एज वी नो कि A13 भी बहुत ही फास्ट प्रोसेसर था, तो ये जो A14 जो चिपसेट है वो उससे भी फास्ट है। सो बस यही 3 चीज़ लॉन्च हुए, लेट्स सी कि iPhone 12 कब तक लॉन्च होता है।